So hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel Infinity Riders Kolkata. My name is Sheikh Wazid Ali and here we're back with another video, and in this video I'll be showing you how to do a rolling stoppie. So हाँ guys, actually ये rolling stoppie का जो tutorial है ये हम एक साल पहले भी बनाए थे and उस time quality इतना अच्छा नहीं था, फ़ोन से shoot किया गया था and इस बार हम थोड़ा short में और easy techniques में आपको बताने वाले कि rolling stoppie कैसा किया जाता है. So stay connected with the channel and without wasting any further time, let's get into the video. तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले कि रोलिंग स्टॉपी कैसा किया जाता है ओनली ऑन हाइड्रोलिक ब्रेक्स, क्योंकि हम वी ब्रेक्स एंड यू ब्रेक्स यूज़ नहीं करते, तो हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स पे ही जितना लंबा हो सकता है हम रोलिंग स्टॉपी करते हैं, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है. पहला बात आपको ये ध्यान पे रखना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स बहुत रकम का होता है, बहुत प्राइस रेंजिंग में आता है. आप बेसिक हाइड्रोलिक ब्रेक्स अगर लेंगे, वो भी ओरिजिनल शिमानो का लेना, तभी आपका रोलिंग स्टॉपी अच्छा जाने वाला है. सो हम ये M447 शिमानो का ब्रेक्स दो साल से यूज़ कर रहे हैं एंड इट हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी इन एनी वे. सो आप शिमानो का ब्रेक्स आप यूज़ कीजिए, नॉट टेक्ट्रो, नॉट एनी अदर ब्रेक्स, बिकॉज शिमानो इज द बेस्ट ब्रेक्स विच आई विल रिकमेंड यू गाइज. मेन ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा रोटर यूज़ कर रहे हैं. शिमानो का रोटर आता है RT56 एंड 160mm का रोटर आता है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है. आप वो ब्रेक यूज़ कीजिए एंड आप 180mm भी यूज़ कर सकते हैं. वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपका ब्रेकिंग पावर आपको कैसा चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है. हम अभी यूज़ करें 180mm शिमानो का रोटर इन द फ्रंट एंड ब्रेक्स है मेरा M47 विथ M355 कैलिपर. सो और एक चीज़ आपको ये बताते हैं कि रेजिन पैड्स आर ओनली रिकमेंडेड फॉर शिमानो रोटर्स एंड शिमानो ब्रेक्स. रेजिन पैड्स स्टंट राइडर्स लोग के लिए सबसे बेस्ट होता है. आई वुड नॉट रिकमेंड मेटालिक पैड्स, क्योंकि मेटालिक पैड्स इट्स नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि हम यूज़ कर चुके हैं, इसमें बहुत आवाज़ होता है, ब्रेक्स नहीं पकड़ता है, लाइक इट्स वेरी रफ. रेजिन पैड्स थोड़ा सॉफ्ट होता है एंड इट्स ग्रेट फॉर MTB स्टंट राइडिंग, बहुत अच्छा ब्रेक्स पकड़ता है. एंड और एक चीज़ बता रहे कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रोलिंग स्टॉपिंग में गिरने का बहुत चांसेस होता है. सो आई विल रिकमेंड यू गाइज टू यूज़ अ हेलमेट, एल्बो गार्ड, नी गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोलिंग स्टॉपिंग में कंट्रोल उतना ईजी नहीं है जितना सोच रहे. आगे पलटाएंगे तो आपको गिरना 100% है, क्योंकि पहले पहले आपको आता नहीं होगा कि कैसे उतरना पड़ेगा या नॉल. सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू गैस टू वेयर अ हेलमेट फर्स्ट, उसके बाद आप रोलिंग स्टॉपी ट्राई करना. एंड हाँ, रोलिंग स्टॉपी के लिए आपको ये दिमाग पे रखना है कि आप कौन सा हैंडल बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रोलिंग स्टॉपी में अगर आपका स्ट्रेट एक हैंडल नहीं रहा, सही हैंडल नहीं रहा, तो आपका बैलेंस रोलिंग स्टॉपी में बिगड़ सकता है. सो आई विल ओनली रिकमेंड वेक हैंडल बार, जैसे स्ट्रेट राइजर हैंडल बार जो जो आता है, आप वैसा हैंडल बार यूज़ कीजिए, तब से बेटर रहेगा. सबसे बेटर होगा कि आप 760 एंड 750mm का हैंडल बार आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा एंड ज़्यादा छोटा भी हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा. 760 एंड 750mm आर द बेस्ट इन ऑर्डर टू लाइक कैरी आउट द बैलेंस व्हाइल यू डूइंग द रोलिंग स्टॉपी. सो मेन डिपेंड करता है आप ब्रेक्स कैसे यूज़ करते हैं, कि आप ब्रेक्स कब तक यूज़ करेंगे या कैसे फिंगर्स यूज़ करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ योर हैंड्स एंड एक्सेट्रा. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्रेक्स जब यूज़ कर रहे हैं, ऑलवेज यूज़ वन फिंगर ऑन योर ब्रेक्स. अगर दो फिंगर यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल यूल गेट लॉट ऑफ प्रेशर जो आपको गिरा भी सकता है. सो सबसे बेटर आइडिया ये होगा कि आप एक फिंगर यूज़ कीजिए, तब मॉड्यूलेशन एंड बैलेंस सही मेंटेन रहता है. एंड और एक चीज़ जो आपको ये देखना है कि ब्रेक्स आप कितना टाइट रखेंगे इन ऑर्डर टू डू अ रोलिंग स्टॉपी. आपको बोलेंगे कि आप ज़्यादा टाइट भी नहीं रखें एंड ज़्यादा ढीला भी नहीं रखें. ऑलवेज कीप ये जो गैप रहता है, ऑलवेज कीप इन द मिडिल, मिडिल में रहेगा सबसे बेटर होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा भी टाइट नहीं होगा एंड ज़्यादा ढीला भी नहीं होगा. तब क्या होगा कि आपको एक मॉडरेट एंड अ मीडियम बैलेंस एंड ब्रेक प्रेशर मिलेगा रोलिंग स्टॉपी कंट्रोल करने के लिए. टाइट ज़्यादा रहा तो आपको गिरा देगा एंड ज़्यादा ढीला भी रहा तो स्टॉपी आपका उठेगा नहीं. सो ऑलवेज कीप इट इन द मिडिल सो दैट यू गेट अ मॉडरेट बैलेंस. सो और एक चीज़ आपको ध्यान पे रखना है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग अ रोलिंग स्टॉपी, ऐसा नहीं कि आपको खड़ा होकर रोलिंग स्टॉपी जैसा करना है, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है. दिस टेक्निक इज कम्प्लीटली रॉन्ग. आपको रोलिंग स्टॉपी जब भी करना है, यू हैव टू बी सीटेड ऑन द सीट, ताकि आपको सही बैलेंस मिले रोलिंग स्टॉपी लेके जाने के लिए. सो रोलिंग स्टॉपी क्या है? रोलिंग स्टॉपी एक ऐसा ट्रिक है कि व्हेन यू आर डूइंग अ रोलिंग स्टॉपी, ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक मार के पीछे चक्का उठा के ब्रेक पकड़ के ही रखना है, ऐसा नहीं है. रोलिंग स्टॉपी उठने के साथ जो आपको मोशन रहता है, उसके साथ आपको ब्रेक पकड़ के छोड़ना पड़ता है, पकड़ के छोड़ना पड़ता है, पकड़ के छोड़ना पड़ता है, ताकि रोलिंग स्टॉपी आप जब उठा रहे हैं, ज़्यादा हाइट हो जाने से आपको ब्रेक छोड़ना पड़ता है, फिर कम होने से आपको फिर पकड़ना पड़ता है. जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जैसे हम क्लिपिंग कर रहे हैं, जिसको क्लिपिंग बोला जाता है, जैसे आपको व्हीली में भी आपको बताया जाता है कि आप व्हीली करने से आपको ज़्यादा हाइट हो जाने से आपको ब्रेक मारना पड़ता है, तो ये सेम टेक्निक यहाँ पे भी है कि आपको ज़्यादा पीछे हाइट हो जाने से आपको ब्रेक छोड़ना पड़ेगा. लाइक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट इज़ ऑपोजिट. अगर आप ज़्यादा हाइट हो जाने से आपका ब्रेक नहीं छोड़ते, दिन आगे पलटा जाएंगे, तो आपको वही मास्टर करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगने वाला है. तो आप जब स्टॉपी उठा रहे हैं तो आप एक टारगेट सेट कीजिए अपने लिए, लाइक एक मीटर हो, दो मीटर हो, डजेंट मैटर, लाइक छोटा हो, हम भी छोटे से ही सीखे हैं,
सो आप जब रोलिंग स्टॉपी उठा रहे हैं तो आप एक मीटर लेके जाके फिर आप रख दे रहे, इट्स कम्प्लीटली फाइन, हम भी वैसा ही सीखे हैं। सो वो टारगेट जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप 2 मीटर का टारगेट रखिए, फिर आप उठाइए, फिर ब्रेक पकड़ के छोड़िए, फिर ब्रेक पकड़िए, उसके बाद आपका टारगेट 2 मीटर से 3 मीटर इंक्रीज होगा। वैसे ही करके इट विल बी लॉन्ग, यू हैव टू सेट टारगेट्स फॉर योरसेल्फ इन ऑर्डर टू लाइक किल देम, समझ रहे हैं? सो इट्स नॉट ईजी, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू मास्टर। मास्टर भी अभी तक उतना ईजी नहीं है मास्टर करना। हाँ, यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस अगर आप सही से प्रैक्टिस कीजिए एंड हार्डवर्क से प्रैक्टिस कीजिएगा, डेडिकेशन से प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका रोलिंग स्टॉप भी बहुत लॉन्ग जाने वाला है। अगर आप लर्नर है तो आप ज़्यादा स्पीड में मत कीजिए, लाइक कम स्पीड में ही आप ट्राई कीजिए, ज़्यादा स्पीड में लाइक क्रैश करने का बहुत चांसेस रहेगा लर्नर्स को। सो आई विल रिकमेंड यू गाइज टू लाइक प्रैक्टिस इट विद अ मॉडरेट स्पीड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बैलेंस मच बेटर। अगर आप सही से इम्प्रूव कर गए रोलिंग स्टॉपी में तो आप बहुत सारा वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, जैसे 360 एंडो, उसके बाद 360 कैंगरू, लाइक स्टॉपी में जी टर्न्स है, लाइक बहुत सारा ट्रिक्स है आप रोलिंग स्टॉपी में मास्टर कर सकते हैं, हाई चेस्ट स्टॉपीज एंड स्टफ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया हो तो जरूर एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करके हम लोग का बेल आइकन जरूर दबाना। हम लोग का बेल आइकन नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आने वाला जो है। सॉरी, एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको जो भी मेट्स सीखना चाहता है रोलिंग स्टॉपी वो भी सीख सके एंड टिप्स एंड ट्रिक्स उसको भी मिल सके। अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में भी है वाजिद स्टंट टू जीनियस एंड मेरा पर्सनल आईडी है फेसबुक पे शेख वाजिद अली, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर बेसिक कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट डाउन कीजिए, आपको सब कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा, क्या ट्रिक्स चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, आपको सब कमेंट्स का रिप्लाई मिलने वाला है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग लाइक रिलेटेड टू रोलिंग स्टॉपी और रिलेटेड टू एनी लाइक एमटीवी बाइक ट्रिक्स और एमटीवी बाइक हैक्स, यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम वाजिद स्टंट टू जीनियस। बस आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टंट हार्ड एंड राइड सेफ, आई विल सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली इन दिस कोरोना वायरस फेज, टाटा एंड बी सेफ।